Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Assalamu alaikum. So there is serious threat coronavirus ko ab tak humne memes ke zariye aur pyaaz ke zariye tackle karne ki koshish ki hai. Again, it is something very serious. It is really serious. और अब अंदाजा हो जाना चाहिए कि ट्रंप ने यूरोप से तमाम जो राबते हैं लाइक उनकी फ्लाइट्स कैंसिल कर दी हैं, पाबंदी लगा दी है, सस्पेंड कर दी है. इटली में ये हालत है कि उन्होंने अनाउंस कर दिया है कि अगर किसी को पता है कि उसको कोरोना है और वो इसके बावजूद किसी से मिला तो उसको उम्र कैद की सजा सुना दी जाएगी. अगर एक बंदे को पता था कि फलां बंदे को कोरोना है और वो उससे जाके मिला और उसने ये आगाह नहीं किया कि मैं उस इन्फेक्टेड बंदे को मिला था तो उसको भी 5-6 साल की सजा सुना दी जाएगी. और इटली में अल्लाह माफ करे ये हालत आ गई है, अल्लाह माफ करे, कि दे आर नाउ डिसाइडिंग कि किसको मरने देना चाहिए और किसको हमने बचाना है. ये हालत है. और इटली एक ऐसा मुल्क है दुनिया का जिसका जो हेल्थ का सिस्टम है वो दुनिया का सेकंड बेस्ट सिस्टम है. और इसी तरह यूएसए में दे आर ट्राइंग देयर बेस्ट, इसके बावजूद वहाँ पे सैनिटाइजर्स, हैंड सैनिटाइजर्स नहीं मिल रहे. वहाँ पे वो जो मास्क होते हैं वो ख़त्म हो चुके हैं. और जो कंपनीज हैं बड़ी बड़ी, हम तो खैर पाकिस्तानियों को ब्लेम कर रहे हैं लेकिन पूरी दुनिया में यही हाल है. चाइना से जो चीज़ स्टार्ट हुई थी उन्होंने फिर भी उस चीज़ को टैकल कर लिया किसी न किसी तौर पर. और टैकल इस तरह किया है कि मतलब वो जिन कौम है वो हमें एक्सेप्ट कर लेना चाहिए कि उन्होंने 5 दिन के अंदर हॉस्पिटल बना दिया. जो इन्फेक्टेड पेशेंट्स हैं उनको क्वारंटाइन कर दिया, आइसोलेट कर दिया. और जो मतलब जितने भी उन्होंने स्प्रे आप उनको करता देख लें, उनके बाज़ार खाली हो गए हैं, उनकी शॉप्स बंद हो गई हैं, सिर्फ फूड की और सिर्फ जो मेडिकल जो फैसिलिटीज प्रोवाइड कर रही हैं वो ओपन है. तो हम लोग ये सब कहाँ कर सकते हैं लाना. और अल्लाह माफ़ करे, इट्स अ रियली सीरियस थ्रेट फॉर अस. क्यों? क्योंकि अगर इसका पैटर्न हम देखें तो ये स्टार्ट होता है कम लोगों से. लाइक पहले एक इन्फेक्ट होता है, 15 दिन बाद दूसरा इन्फेक्ट होता है, 25 दिन बाद तीसरा इन्फेक्ट होता है और फिर मतलब 35-40 दिन बाद 15 लोग इन्फेक्ट हो जाते हैं, 55 दिन बाद 500 लोग.